नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा का विषय है जीन्स और जेनेटिक कोड। इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और आपकी गणित को बिगाड़ देते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अभी तक के इतिहास में जीन्स और जेनेटिक कोड, इन दो बिंदुओं से जो क्वेश्चन बने हैं, 72 क्वेश्चन हैं, तो लगभग 4 वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करें, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, एक आपके शेयर से चैनल ग्रोथ करेगा और आपको मैटर भी बेहतरीन से बेहतरीन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। शुरू करें वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उससे पहले जानकारी दे दें कि जैसे कि घोषणा हो चुकी है कि 15 अगस्त के पहले टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। आज के पेपर में दिया है दैनिक जागरण में कि 15 के पहले एग्ज़ाम आयोग करा लेगा टीजीटी और पीजीटी के, और हमारा जो एलटी के मित्र हैं जो उत्तराखंड के, तो मैंने सुना है उनका शायद जुलाई में ही प्रस्तावित एग्ज़ाम है, और हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है वो भी जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीआईसी के डेट आ चुकी है, 9वें महीने में है, तो इसलिए लगभग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अब समय बचा नहीं है, तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो आप तैयारी को स्पीड मोड पर लेके आएं और लगभग 9 से 10 घंटा डेली पढ़ना शुरू करें। और आपके लिए हम कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं, केवल मेंबरशिप लगती है, बकाया सब कुछ फ्री है। 299 की मेंबरशिप लेनी है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप सोच भी रहे हैं कि मेंबरशिप लेनी है तो तुरंत लीजिए, एक एक दिन आपके लिए है। मान लेते हैं हम डेली प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चन की डिस्कशन कराते हैं, तो एक एक दिन क्या होता है वो टॉपिक आपके छूटते चलेंगे। दूसरे जो नोट्स हैं तो ऐसे नोट्स नहीं कि एक दिन में पढ़ने, नोट्स ऐसे हैं कि उनमें टाइम लगेगा, पढ़ने में समय लगता है, तैयारी करने में समय लगता है, तो पढ़ने के लिए समय चाहिए। एक दिन बाद ज्वाइन करेंगे तो एक दिन बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन करिए, और अगर अभी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो तुरंत मोबाइल उठाइए और तुरंत ज्वाइन करिए। तो हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्कशन ग्रुप है, और ये जो डिस्कशन ग्रुप है इस पर हम टॉपिक बाई डिस्कशन कराते हैं, और जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का टॉपिक है उनका पर डे टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है। 9:30 से लेकर 11:30 बजे रात्रि तक डिस्कशन होता है, टॉपिक एक दिन पहले आपको दे दिया जाता है। जो नोट्स ग्रुप है इसमें हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स, कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं, एक एक टॉपिक के कई कई नोट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर होते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराते हैं, जो बुक्स आपको सजेस्ट करते हैं, वो सारी बुक यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध हैं, जो महंगी हैं, जो लड़के जनरली खरीद नहीं पाते हैं। दूसरा प्रैक्टिस ग्रुप, जहाँ आपको पूर्व परीक्षाओं की, संभावित परीक्षाओं के क्वेश्चन की प्रतिदिन प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे आपका जो गलत होने की संभावना कम हो और स्कोर बढ़ सके, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो ये यहाँ कराया जाता है, तो तुरंत ज्वाइन करें। 299 की मेंबरशिप, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए इस गूगल पे नंबर पे कर सकते हैं, या फिर फोन पे नंबर पे कर सकते हैं, या फिर पेटीएम पे कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, जिससे आपको तुरंत ऐड किया जा सके। शुरू करते हैं वीडियो। कल एक क्वेश्चन, और बड़ा मुझे अचरज लगता है कि कभी कभी ऐसी गलतियां हम भी कर देते हैं जो मतलब बड़ी दुखद होती हैं, और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हम क्वेश्चन चेक भी करते हैं कि आखिर हमने गलत क्या किया। तो कल हमने इसका आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था, डिटेल दी थी, वो सही दिया था, और यहाँ टिक करने में गड़बड़ कर गए थे, यहाँ पढ़ने में एक्चुअली में गड़बड़ हो गया, ये दोनों मिलाए और तुरंत क्लिक करके बढ़ गए, और मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैं कंप्यूटर में काफ़ी देर तक देखते हुए मतलब लगता है कि जल्दी जल्दी निपटाओ, और कभी कभी क्या होता है, काम करते कोई, कभी कोई टोक रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, सबकी सुननी पड़ती है, कभी कॉल फ़ोन कुछ भी आ रहा है, तो ऐसा है, तो देखते हैं। तो कल हमने बताया था, इसका एक फार्मूला दिया था, उल्लू आया आया, हमने बताया था उल्लू आया आया, उल्लू आया और गया, और उल्लू गया आया, ये दिया था UAA। तो एक्चुअली में ये वाला हमने ध्यान नहीं दिया, और मैं बोल गया था इसके अनुसार, इसको बोल गया था, मगर ये नहीं पढ़ा था, इसका आंसर सी सही था। क्या सही था? सी, और हमने डी लगा दिया था, जबकि हमने आपको, जो लोग हमें पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वो बिल्कुल हमने ये तीनों सही दिए थे, और आपको डिटेल भी सही दिया था, मगर टिक करने में गड़बड़ कर दिया था, तो सी इसका सही है, ध्यान रखिएगा।
यूजीए, हमने एयूजी की जगह केवल यू देखा था, यूजी देखा तो हमने कहा ये यूजीए है, इसीलिए इसको कर दिया था। तो ये आप सीख कर लीजिएगा। कभी कभी हमें भी हंसी आती है कि क्या करके हम क्या चले जाते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं तब हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, जो न्यूक्लिक एसिड होती है तो आप सब जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार की होती है प्रायः, डीएनए और आरएनए। और हम आपको बता दें, हमने इलेक्ट्रॉनिक जो गजेट आता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, उसका आर्डर हमने कर दिया है अमेज़ॉन पे, और जैसे ही आता है तो और बेहतर आपको क्लास मिलेगी। माउस से हमें लग रहा था पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। और एक होता है आरएनए, क्या होता है आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो वो कह रहा है ये पॉलीमर किसके हैं, पॉलीमर की हिंदी होती है बहुलक, क्या होती है बहुलक। तो बहुलक क्या होते हैं, तो बहुलक का मतलब होता है जिनसे वो बने हों या जिनके बहुलीकरण से कई के मिलने से बने हों, तो वो क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि जब शुगर, पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है, इससे बेस और ये फास्फेट लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, तो शुगर और बेस, देखिएगा जो शुगर और बेस होता है, ये शुगर और बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोसाइड, यहाँ जो साइड है और यहाँ टाइड है, ध्यान रखिएगा यहाँ तीन की बात कर रहा है, शुगर बेस और फास्फेट की बात कर रहा है, यहाँ साइड में दो की बात कर रहा है, शुगर और बेस, फास्फेट ना हो। और तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन जानते हैं, नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं उनके समूह को प्यूरिन और पिरिमिडिन कहते हैं। ये हमने आपको डिटेल दी थी। अच्छा, यहाँ हमने बता दिया आपको, हाँ, तो इसका आंसर क्या सही करेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 का आंसर क्या है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 34 में दिया है द अल्टीमेट प्रूफ दैट डीएनए इज द जीनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। तो ये किसने प्रूफ दिया था कि मतलब डीएनए एक जीनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूफ दिया, तो बताइएगा किसने इसको प्रूफ किया था। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किया था वो ग्रिफिथ ने भी किया था, जो चूहों पर प्रयोग करके इन्होंने किया था, ग्रिफिथ ने भी किया था। हर्सी और चीज़ ने ब्लेंडर मेथड्स का प्रयोग किया था, तो अगर ध्यान हो हर्सी और चीज़ ने ब्लेंडर मेथड्स का प्रयोग किया था, और एक्सपेरिमेंट जो किया था एवरी और मैकलियॉड और मैककार्टी ने किया था, डीएनए जीनेटिक मटेरियल है। तो ऑप्शन इसका फिलहाल हम डी सही कर रहे हैं, इसका ऑप्शन ए भी सही कर सकते हैं, सी भी सही कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए भी कंफ्यूजन है। आप भी इसका आंसर हमें बताइएगा 34 का, कि इसका सटीक आंसर हम लोग कौन सा लगाएं, कि बिल्कुल हाँ यही आंसर सही है। चूँकि एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने भी ये किया था, बताया था कि जेनेटिक मटेरियल है, और हर्सी चीज़ ने भी ब्लेंडर मेथड से यूज़ किया था और उन्होंने बताया था कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, मैकलियॉड और मैककार्टी ने भी किया था एक्सपेरिमेंट, तो आप बताइएगा इसका हम सटीक आंसर क्या लगाएं। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज, एक कंप्लीट टर्न में डीएनए में कितने टर्न डीएनए हैज कितना होता है, तो यहाँ चूंकि बेस पेयर दिया है तो बेस पेयर ही पूछ रहा है, तो जैसे मान लेते हैं ये आपका डीएनए है, ये क्या है, ये आपका डीएनए, तो एक घुमाव में मतलब एक घुमाव यहाँ से यहाँ तक कितने बेस पेयर पाए जाएंगे, तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखिएगा ये कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से यहाँ तक कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो यहाँ जो बी डीएनए होता है, जो जनरली डीएनए पाया जाता है, वहाँ 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10। देखते हैं 10 बेस पेयर, तो हम ये लिख लेते हैं 10 बेस पेयर। ए डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10,000 बेस पेयर विल हैव ए लेंथ ऑफ, तो यहाँ कितने बेस पेयर दिया है 10,000, और कह रहा है एक डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है और उसमें बेस पेयर की संख्या कितनी है 10,000 है, तो भाई ले लिया हमने, ये ले लिए 10,000। तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, ये 10,000 है और एक टर्न में कितने होते हैं 10 होते हैं, तो बस इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी बेस पे। तो आपको हमने बताया कि क्या होगा,
तो यहाँ आंसर चूंकि सब एनएम में दिए हैं, कितने में दिए हैं? एनएम में, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 3400 एनएम। कितना आएगा? 3400 एनएम। तो यहाँ अब हमने किया कैसे, आप हम मैं आपको बता दूं कि हमने माना कि जो बेस पेयर की अगर दूरी भी निकालना चाहें, बेस पेयर की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, एक बेस पेयर की दूरी 3.10 होती है, तो 10 बेस पेयर की दूरी या इनकी अगर निकालना चाहें तो हम इनको सीधे कर सकते हैं। इनको कितना है, 10,000 दिया है और यहाँ हम गुणा कर देंगे 3.4 का, ये एंगस्ट्रॉम का, ये हमने इसका जैसे ही कैलकुलेशन किया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये पूरा कैलकुलेट करो कितना आ गया, 3, 4, 1, 2 और 3 एक दशमलव हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। और जब इसको हम एंगस्ट्रॉम की जगह एनएम में बदलेंगे तो एक कम और कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3400 एनएम। तो ऑप्शन इसका ए बी सही कर देंगे। कौन सा सही करेंगे? इसका ऑप्शन जो सही करेंगे वो कौन सा सही करेंगे? तो हमने आंसर इसका जो सही किया है वो बी सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनएम में दिया हुआ ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम में अगर दिया होता और ये एंगस्ट्रॉम में होता तो ऑप्शन ये सही होता, एनएम में दिया है तो ऑप्शन ये सही होगा। या तो फिर आप इसको अगर दूसरा मेथड से करना चाहो तो ये आप तो अब इसमें अगर करना चाहो तो 0.34 एनएम होता है। कितना होता है? 3.4 एनएम होता है। एक बेस पेयर के बीच की दूरी एनएम में ये लगाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लगा लीजिए, दो जीरो हटा लीजिए यहाँ से, ये तो ये आ जाएगा 4 और 2 जीरो, वही 3400 एनएम ही आ रहा है। ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं एनएम में, या एंगस्ट्रॉम को एनएम में बदल सकते हैं, देख लीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट फाउंड इन ए न्यूक्लिक एसिड मालिक्यूल। तो हमने आपको जो इस तरह से शुगर बनाई थी, पेंटोज शुगर, और ये बेस बनाया था और ये बनाया था फास्फेट, तो ये यहाँ जो पाया जाता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा था, यानी ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पर जो पाया जा रहा था ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जा रहा था, और दो के बीच में, दो डीएनए के बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा था वो हाइड्रोजन थे, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कह रहा है नॉट फाउंड, तो कौन सा होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल वाज सजेस्टेड बाय, तो किसने सजेस्ट किया था, तो रॉबर्ट हॉली ने सजेस्ट किया था। वेटसन क्रिक ने क्या दिया था, तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। खुराना ने क्या किया था, कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था, इसके लिए उन्होंने डीएनए लाइगेज की खोज की थी। जैकब और मोनार्ड ने क्या दिया था, तो जैकब मोनार्ड ने मे बी वन जीन, जैकब मोनार्ड ने ही दिया था वन जीन, वन मुझे याद नहीं आ रहा, ये वन जीन हाइपोथेसिस दी थी, वन जीन वन प्रोटीन ऐसे करके हाइपोथेसिस दी थी, वन जीन या वन पॉलीपेप्टाइड ऐसे कुछ दिया था, हाइपोसिट वन जीन वन प्रोटीन ऐसे कोई, मुझे अभी इस समय दिमाग पे है नहीं, ये मिस कर गया, तो वो उन्होंने दिया था। और क्वेश्चन बनता ही है, अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि दिमाग ऐसा होता है ना कि कभी कभी चीज़ों को लैप्स कर जाता है, तो इस समय लैप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, ट्रांसलेट क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, क्या सेंट्रल डोगमा जिसे आप बोलते हैं, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, तो यहाँ प्रोटीन नहीं दिया मगर पॉलीपेप्टाइड चेन दिया है, तो यही आंसर सही करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखते हैं, अब ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम। द जेनेटिक कोडान फॉर फार्मुलेटेड मेथियोनिन इन ए बैक्टीरियम, एक जीवाणु में फार्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट कौन सा है, तो आनुवंशिक कूट कौन सा, ए यू जी है जो फार्मुलेटेड मेथियोनिन से जिम्मेदार है, ए यू जी ध्यान रखिएगा।
और इसी AUG को हम इनिशिएशन कोडान भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा कोडान है जो इनिशिएशन का काम करता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है, यानी पंडित का काम करता है, अर्थात फीता काटने का काम करता है ना। जैसे मान लेते हैं गृह प्रवेश है, तो जब तक फीता नहीं कटेगा या कोई सॉप वगैरह है तो वहाँ काम नहीं होगा, तो उससे संबंधित है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? तो 46 चूंकि पढ़ा रहे थे तो उसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलियोफेज X174 कंटेंस, ये आप याद रखेगा, इसको रट लीजिएगा। TGT, PGT, GIC, LT एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब हमें लगता है कि इसका ब्याह करा दिया गया है वो एग्जामिनर के साथ। ये क्वेश्चन रखना ही है उसे, जैसे ही उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उसका, मतलब ये रखा ही मिलता है। इसका सही आंसर सिंगल स्ट्रैंड DNA, ध्यान रखिएगा 48 का जो सही आंसर है वो सिंगल स्ट्रैंड DNA है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत रिपीटेड है, कई बार हमने बताया है। मोंगलॉइड कंडीशन इज रिलेटेड टू, मोंगलाइड स्थित संबंधित है, तो मोंगलाइड स्थित जो होती है वो एक्चुअली में संबंधित होती है डाउन सिंड्रोम से। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम से ये संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जो बालक होता है या बच्चा होता है उसका चेहरा मतलब चपटा हो जाता है, और तो ये किससे संबंधित है, तो आप उसको हमने बता दिया मंगलॉइड। तो इसमें होता क्या है ये भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो मोंगलाइड की स्थिति में ट्राइसोमी होती है। क्या होती है? ट्राइसोमी। तो ऑप्शन इसका हम बी सही करेंगे, ट्राइसोमी होती है, और ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। इसमें 21 जो क्रोमोसोम नंबर होता है, एक्चुअली में कितने होते हैं? 42 होते हैं, हाँ 42, 23, 23, तो कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, तो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। इसमें से जो 41वां जोड़ा वाला होता है, यानी सॉरी फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर से इसको आपको बताते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम? 23 जोड़े होते हैं, अर्थात टोटल नंबर जो क्रोमोसोम की निकाले अनपेयर की, तो 46 होते हैं। इसमें से 21वां जो जोड़ा होता है, 23 में के बाद 23 में से जो 21वां होता है, एक से लगा के 23 तक काउंट करेंगे, 21वें जोड़े में ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी क्या होती है? ट्राइसोमी का मतलब होता है क्रोमोसोम का बढ़ जाना। क्या होता है? क्रोमोसोम का बढ़ जाना। क्रोमोसोम बढ़ जाने का मतलब क्या होता है? 21 के साथ एक क्रोमोसोम और आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, टोटल जो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में 46 होते हैं, एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 47। तो इसी कोई 21वें जोड़े में जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि बताया, ये दिया हुआ है, ये बालक है और इसमें दिया गया है, और 21 क्रोमोसोम में ऐसा होता है, और इसमें होता क्या है कि मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, मुंह चपटा हो जाता है, आदि लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन ये लगाएंगे। अब इसके अलावा इसके साथ के और जो ऑप्शन है उन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हल्की पुल्की। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, सीरियस रहिएगा। मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी का मतलब होता है 2N-1, जब एक क्रोमोसोम कम हो जाए। और नलीसोमी क्या होता है? 2N, और इस नलीसोमी में क्या होता है? 2N-2 होता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देते हैं नलीसोमी क्या है और मोनोसोमी क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा मोनोसोमी न, और ट्राइसोमी क्या होता है? 2N-1, और एक आता है टेट्रासोमी, तो 2S-2 ये आते हैं, ध्यान रखिए, सॉरी फिर गड़बड़ किया हमने, 2N+1 मोनो ट्राइसोमी, और 2N+2 क्या आएगा? 2N+2 आएगा टेट्रासोमी। ध्यान रखिएगा ये ट्राइसोमी, ये टेट्रासोमी, इसमें जुड़ते हैं और इसमें घटते हैं। ध्यान रखिएगा ये दिमाग है, दिमाग जो ब्रेन होता है वो किस समय इधर का मैटर उधर उलझा दे, उधर का मैटर उधर उधर उलझा दे, क्योंकि ब्रेन कैसा होता है, वो कंप्यूटर की तरह होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हैंग हो जाता है,
कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, तो ऐसा हो जाता है। द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज द ब्रोथ। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों डबल स्टैंड होते हैं। नहीं, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंड होता है, आरएनए प्रायः सिंगल स्टैंड होता है। हैव सिंगल शुगर, नहीं, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है डीएनए में, इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोट, बिल्कुल यही सही है, दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। हैव सिमिलर पिरिमिडिन्स, तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। आज हम आपको बताते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब बनता है, चारगाफ। ये चारगाफ थे और इन्होंने, इरविन चारगाफ थे, इन्होंने नियम दिया था, चारगाफ का नियम दिया था। तो इन्हीं के नियम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये इन्होंने क्या कहा था, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी। इन्होंने कहा था कि एडनिन थाइमिन के हरदम बराबर होती है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू सी, यानी ग्वाइनिन साइटोसिन के बराबर होती है। इन्होंने ये दिया था ए प्लस जी और टी प्लस सी, ध्यान रखिएगा ये दिया था और ये। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा, ये बना क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रोपोर्शन टू उसने ये दिया था, तो आप यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला जो फार्मूला होता है, ये पिरिमिडिन और प्यूरिन्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। ये फैक्ट डाटा है, इसको गले में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन जब टफ बनाता है तो फैक्ट डाटा से भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ जो ये वायरस था जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, 174 साई बोलते हैं या फाई बोलते हैं, अब देख लीजिएगा, मैं मैथ का तो हूँ नहीं। तो 174 बैक्टीरियोफेज होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या इतनी होती है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर की संख्या होती है वो इतनी होती है, और ई कोलाई में होती, ई कोलाई में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ई कोलाई में क्वेश्चन बना है, तो वो इतनी होती है। हैप्लॉइड, अगर कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें तो उसका ये दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका डाटा थोड़ा सा आप कहीं रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा या नोट्स में लिख लीजिएगा, और कभी फुर्सत लगे तो उसको एक बार आप उसको देख लेंगे तो उतने में आपका काम हो जाएगा। अगर एक बार आप देखते रहेंगे, नोट्स पे नज़र बनाते रहेंगे, तो आपको काफ़ी तैयार हो जाएगा। तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। अब थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको बता दें कि इससे अभी क्वेश्चन बना था, जब ही लेंथ हम आपको बता रहे थे, देखिए वो क्वेश्चन बना था, और वो यहाँ किस विधि से निकाला जाता है ये भी आप देख लेते हैं कि किस विधि से हम निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस देख लेते हैं, एडजस्टेंट बेस पेयर के बेस पे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर ये दिया हुआ, मान लो ह्यूमन का निकालना है तो इतने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये इतने बेस पेयर हैं, और ये वाला जो आप वहाँ एनएम में आप याद हो कि नैनोमीटर में आपको हमने बताया था, तो बस वही मैटर यहाँ देखना है जो नैनोमीटर में वहाँ हमने बताया था। तो वहाँ चूँकि हमने लिखा था 0.34 nm, और यहाँ उसने एनएम में नहीं लिखा है, तो इसलिए जैसे कि ये फॉर्म में लिखा है वैसे सेम फॉर्म में ये लिखा है, बस दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, जो आंसर आएगा आपके सामने है, तो बस सेम टू सेम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालते हैं। अब यहाँ बात कर रहा है इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए की बात कर रहा है, इन प्रोकैरियोट्स खासकर ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। जो डीएनए होता है पूरी कोशिका में बिखरा नहीं होता, एक निश्चित एरिया में ही पाया जाता है। डीएनए इज द निगेटिवली चार्ज, तो ये क्वेश्चन बनता है डीएनए में चार्ज कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। सो इट इज हेल्ड विद द सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। तो कुछ पॉजिटिवली प्रोटीन्स पाई जाती हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोइड बनाते हैं। तो जैसे कि ये दे रहा है न्यूक्लियोइड, ये दे रहा है न्यूक्लियोइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, ये ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट्स में से
इन यूकैरियोट्स में से बनता है। इन यूकैरियोट्स देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन। देखिए हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं और ये बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में जब अंतर लिखने को आता है यू और प्रो में, तो हम लिखते हैं कि बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि वायरस में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। एक्चुअली में मोबाइल में बार बार मैसेज आते हैं ना, तो देखने लगो तो गड़बड़ हो जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है और यूकैरियोट्स में पाई जाती है। हिस्टोन आर रिच पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड, कौन सी होती है, लाइसिन और आर्जिनिन। कौन सी होती है, लाइसिन आर्जिनिन, इसको रख लीजिएगा। लाइसिन और आर्जिनिन पाई जाती है अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन पूछा है। और हिस्टोन कैसे होते हैं, ऑक्टोमर होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, एच टू ए क्वेश्चन बनता है, एच टू बी और एच थ्री और एच फोर, ये चार होते हैं और इन चार की संख्या डबल होती है, तो इस प्रकार 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। निगेटिवली चार्ज डी एन ए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर टू गिव न्यूक्लियोसोम। ये क्या करता है, चूँकि जो डीएनए होता है ये निगेटिव होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये क्या करता है, इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्वाइल हो जाता है या उसके चारों ओर फंदा लगा लेता है। तो इस प्रकार इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियोसोम में कितनी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन के, कौन कौन, ये भी पूछता है कौन कौन, एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री और एच फोर, और एक और होता है एच वन, वो लिंकर होता है, मतलब डीएनए को लिंक करता है। तो आपको आंसर यही एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री, एच फोर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे अपने। द टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। आपसे क्वेश्चन बनता है कि कितने बेस पेयर न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, तो लगभग 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन, मनुष्य में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं, तो मनुष्य के जो डीएनए की लंबाई उसने दिया है और कितने पाए जाते हैं, तो 201, मतलब न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं, 200, तो पूरे लंबाई में कितने पाए जाएंगे, तो 200 का भाग दे देंगे तो इतने पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।